वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, एक महीना पहले की किस्सा है। हमारे कुछ इन्वेस्टर थे, वो लोग बाय रोड धोधरा देखने आ रहे थे। चार लोग थे और गाड़ी चला के आ रहे थे, और चारों ने जब से घर से निकले हैं तब से वो पार्टी मूड में आ गए थे, यानी खा पी के एंजॉय करते करते उनको आना था धोधरा देखने के लिए। चार बोतल दारू लेके आ रहे थे और दो बोतल खुल गया था, और रास्ते में पीते पीते आ रहे थे। गुजरात पुलिस गुजरात में जैसे ही एंट्री किए, चारों को दबच लिया। तो बेचारे चारों को अंदर कर दिया। चार बहुत परेशान हुए, उनको एक दिन के बाद वहाँ से छुड़ाया गया। फिर वो धोधरा देखने नहीं आए, वो वापस चले गए। बोले, भाई साहब, हम तो गुजरात नहीं आएंगे, गुजरात में किसी भी प्रकार की निवेश भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो लोग ना जीते हैं ना जीने देते हैं। एनीवे, वो कहानी मैं भूल गया। और कुछ दिन पहले फिर से उनका फ़ोन आया। वो बोले, सर इस टाइम हम दोबारा आ रहे। मैं बोला, अब क्या हो गया? बोले, नहीं सर, हमने न्यूज़ पे देखा कुछ गिफ्ट सिटी में दारू चालू हो गया है। मैं बोला, हाँ वो ठीक बात है, बस हम आ रहे, धोधरा भी देखेंगे, गिफ्ट सिटी भी देखेंगे, क्योंकि गुजरात बहुत डेवलप हो रहा है, हमें इच्छा है वहाँ कुछ ना कुछ करने के लिए। दोस्तों, वो गुजरात देखने के लिए आए, यानी धोधरा देखने के लिए आए। पहले धोधरा विजिट कर लिए, फिर गिफ्ट सिटी देखने गए, और दूसरे दिन मेरे सामने यहाँ आके बैठ गए। मैं पूछा, कैसा रहा आपका गिफ्ट सिटी का ट्रिप? बोले, सर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर बनाया है। मैं बोला, दारू मिला वहाँ पे? उन्होंने बताया कि सर दारू तो नहीं मिला, वहाँ पे जो सिस्टम इन्होंने बनाया है कि जो वहाँ पे जॉब करता है, जो एम्प्लॉय है या जो ओनर है, उनको ही परमिट मिल रहा है। वो भी कैसा, वहाँ पे स्पेसिफिक एरिया होगा, वाइन एंड डाइन का एरिया होगा, जहाँ पे वो लोग खाएंगे पियेंगे और निकल जाएंगे, और बॉटल में यदि कुछ बच भी जाएगा उसको लेके नहीं जा सकते हैं। तो उनसे जब मेरा चर्चा हो रहा था, तभी मैं सोचा कि इसी के ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे अगली वीडियो पे, कि धोधरा में भी क्या दारू मिलेगा। ये क्वेश्चन उनका ही था। ऐसे कई इन्वेस्टर हैं, जो गुड़गांव चंडीगढ़ में जाता हूँ मीटिंग के लिए, वहाँ के लोकल इन्वेस्टर मुझे पूछते हैं कि प्रभात जी, धोधरा तो हम आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे शाम को क्या करेंगे, कुछ मिलता कि नहीं मिलता? क्योंकि उनको आइडिया रहता है कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, पुलिस वाले परेशान करते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी टूरिस्ट या कोई भी बाहर का इन्वेस्टर जब गुजरात आता है 3-4-6 दिन के लिए, उसको एक परमिट मिल जाता है। यानी एक परमिट, उनको ऑनलाइन परमिट लेना है, और जिस परमिट से उनको 3-4 दिन के लिए एक बोतल दारू मिल जाता है। तो अगली बार जब आप आ रहे हैं गुजरात 3-4 दिन के लिए, और यदि आप पीने का शौकीन हो, तो आपको लेके आने का ज़रूरत नहीं है। यदि लेके आ रहे हैं, वो आपकी रिस्क है। जब कोई पकड़ेगा तो आपको हैरेसमेंट करेगा ही करेगा। ये लाइसेंस कैसे इशू होता है, इसके बारे में भी यदि आपको डिटेल जानकारी चाहिए, आप हमें संपर्क करना, आपको गाइड कर दिया जाएगा। गिफ्ट सिटी जो गांधीनगर में बन रहा है, बेसिकली 4.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, छोटा सा एरिया है दोस्तों, और जो रेडी टू मूव, यानी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, बिल्डिंग भी तैयार हो चुका है, कंपनियाँ वहाँ पे आ रहे हैं, उसको उन्होंने SEZ स्पेशल इकोनॉमी जोन डिक्लेयर कर दिया है, जिसके कारण जो भी कंपनियाँ वहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें टैक्स में बहुत सारे पैसे बचत हो रहे हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो किसी जापान की कंपनी के साथ काम करता है, और उनकी हेड ऑफिस मुंबई में है। उन्होंने रातों रात गिफ्ट सिटी शिफ्ट किए थे। मैं पूछा, भाई क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि प्रभात जी, हमें यहाँ पे टैक्स में बहुत सेविंग होने वाला है, यानी मुंबई का ऑफिस तो है ही, दूसरा ऑफिस उन्होंने गिफ्ट सिटी में खोल दिया। तो दोस्तों, SEZ का कमाल है, धोलेरा तो ऐसे भी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डिक्लेयर हो चुका है, यानी आने वाले टाइम पे उसकी बेनिफिट ढेर सारे कंपनियां उठाएंगे जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। रही बात अल्कोहल दारू, तो ये अल्कोहल जब छूट दिया जा रहा है या दिया गया है, कहाँ पे? गिफ्ट सिटी के अंदर। तभी क्या हुआ, बाजार में रियल स्टेट में बहुत जंप मिला, यानी जो प्रॉपर्टी बिक रहा था जिस प्राइस में, 30-40% का इंक्रीमेंट देखने मिला, और जो इंक्वायरीज थे 200-300 गुना बढ़ गया। ये बहुत सेंसिटिव बाजार है। अल्कोहल आजकल के लोगों के मन में एक लाइफस्टाइल बन चुका है कि हम पार्टी कैसे करेंगे, शाम को हम टाइम स्पेयर कैसे करेंगे, दोस्तों को हम कैसे खुश करेंगे, या तो कोई सप्लायर्स को कैसे खुश करेंगे, वेंडर को कैसे खुश करेंगे, या किसी साहब से कुछ काम निकालना है तो उनको कैसे हम खुश करेंगे। तो ये एक प्रकार की आजकल नेसेसिटीज हो चुका है बहुत जगह पे। ठीक है, गुजरात महात्मा गांधी जी का जगह है, जहाँ पे इसको माना जाता है और लोग मान रहे हैं।
लेकिन दुख की बात है, गुजरात में जितना दारू बिकता है कहीं नहीं बिकता है दोस्तों, और वो भी इलीगल तरीके से। और जिससे क्या होता है, जो भी यहाँ मटेरियल मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा मिक्सिंग होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल भी होता है, और कई बार लोकल दारू पी के लोग यहाँ बीमार पड़ते हैं और कभी कभी तो डेथ भी हो जाता है। तो ये चीज़ को स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए और फ्यूचर में इसके ऊपर बारीकी से सोचना चाहिए। और यदि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कुछ चीज़ चाहते हैं, यानी जहाँ पे विदेश से लोग आएंगे निवेश करेंगे, विदेश से टैलेंट आएगा और यहाँ काम करेगा, फॉरेन से कंसल्टेंट आएंगे और यहाँ पे रह के काम करेंगे, तो डेफिनेटली उनके लिए हमें उस प्रकार की व्यवस्था करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम गुजराती हैं, हम लोकलाइट हैं, हम नहीं पिएंगे, लेकिन हमारे मेहमान यदि उसको पसंद करते हैं तो हमें तो मेहमान नवाजी करना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी धोलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश कर रहा है या करने के लिए मूड बना रहा है और उनके मन में आ रहा है कि यार वहाँ तो दारू तो मिलता नहीं, मैं वहाँ जाऊँ क्यों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम पे बिल्कुल जैसे गांधीनगर में हुआ, यानी गिफ्ट सिटी में हुआ, ऐसे ही धोलेरा में भी हो सकता है। क्योंकि गिफ्ट सिटी में जो भी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी प्रकार की सेटअप है, जो भी प्रकार की मॉडल है, वो एक छोटा सा है 450 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में, और धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों ह्यूज एरिया है। वहाँ तो बहुत कुछ एक्टिविटी आपको दिखेगा और आने वाले टाइम पे बहुत सारे अनाउंसमेंट भी होंगे जिसके फायदे आप लोग उठाओगे। कैसे, यदि आप वहाँ निवेश करके बैठे हो आपको एक बढ़िया ROI मिलेगा। ये था आज का वीडियो। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए धोलेरा के बारे में, आप हमें संपर्क करिए, आपको डिटेल जानकारी थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू जूम मीटिंग में दे दिया जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने का इच्छा है, इन्वेंट्री को यदि समझना है तो आपको अहमदाबाद तक आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप दिल्ली बैठे हो, मुंबई बैठे हो और वहाँ से मुझे बोल रहे हो कि भाई मुझे लैंड का डिटेल भेजो, मुझे प्लॉट का डिटेल भेजो। बिल्कुल नहीं दोस्तों, उससे आपका भी टाइम खराब होगा, हमारा टाइम भी खराब होगा। यदि आप रियली इंटरेस्टेड हैं धोलेरा में निवेश करने के लिए तो आप स्मार्ट सिटी को देखने के लिए 2 दिन का टाइम निकाल के अहमदाबाद आइए, फिर हम साथ में जाएंगे और सिटी को ठीक से एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ पे तरह तरह की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को भी समझेंगे। और चैनल अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भी रखिए ताकि लगातार नए नए वीडियोज आ रहे हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।